ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पर वो वोट डालने हैं तो क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप वोट डालने हैं? कांग्रेस के डालना। क्या मुद्दा क्या है आपका? क्या कारण? खुद आप महिला हैं, क्या कारण? क्या कारण? क्या बढ़िया काम करेंगे जी। और क्या? तो और लोगों से भी बातचीत कर जानना चाहेंगे कि उनके क्या बड़े मुद्दे हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए, क्या बड़े मुद्दे हैं आपके? यहाँ सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जुलाना जो हमारा क्षेत्र है बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे कौन सी भी सरकार है रही, यहाँ पूर्व में रही बीजेपी सरकार में 10 साल में यहाँ कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है जिसमें रोडों का विकास हुआ हो या फिर कोई स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की गई हों या फिर किसी यंग जो युवा आज के जो खेलों के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं वहाँ कोई स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। और रही सबसे बड़ी बात, यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, जो रात को बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं जिसमें अनेकों युवाओं की जान चली जाती है। मैं ये नहीं कुछ चुनिंदा मुद्दों के साथ यहाँ आपकी बार सोच रहे हैं भी कोई ऐसी सरकार आए जो युवाओं के रोजगार के क्षेत्र प्रदान करे और खेलों में बढ़ावा दे। तो आप मेरे पीछे और आगे देख सकते हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई है, लोगों के हाथ में उनके वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ पकड़ रखे हैं। तो सर क्या बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं आप यहाँ पर वोट करने के लिए? किन मुद्दों पर आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे? यही सर, विकास के लिए। विकास के लिए? क्या आपको लगता है जुलाना में ऐसी कमियां हैं जो आने वाले कोई भी पार्टी से कोई भी जो जीतता है उसको काम करना चाहिए उन चीजों? ये तो जीवो आने वाला टाइम ही बतावा करेगा कि नहीं। वैसे तो मुद्दे तो शहर के कुछ मुद्दे तो होंगे, बिजली पानी सड़कें सब मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर तो बेरोजगार रोजगार को लेकर देखा जाता है हरियाणा का बहुत नाम पीछे रहता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतदाताओं में है कि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ सर, रोजगार को क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दों पर वोट डालेंगे सर? हम तो बेरोजगारी से तंग है जनता, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, विकास नहीं हो रहा कहीं भी, सरकार को बदलना चाहते हैं। जुलाना शहर के मुद्दे क्या हैं सर? ये तो आपने हरियाणा के देश के भी मुद्दे हैं, सड़कें भी खत्म है, पानी बिजली सारे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, विकास नहीं हो रहा, हर वर्ग परेशान है। तो हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी है। अब इस बार देखा गया है कि एक महिला को उतारा है कांग्रेस ने, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक कैप्टन को उतारा है, पर आप खुद महिला हैं, क्या बड़े मुद्दे लेकर आप यहां पर वोट डालें? एक्चुअली देखो, नमस्कार इंडिया, और सबको वोट डालना चाहिए, और एक मैं भी एक महिला हूँ तो लेडीजों को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और विनेश फोगाट जो आई है तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, साहस है उनका भी। और देखो जो हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो सबको पता है भाई, एक आम इंसान के मुद्दे क्या हैं कि भी उसको बिजली पानी सड़कें हर चीज जो है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, दूसरा एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, और क्योंकि हमारे बच्चे भी जो है एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन के ऊपर भी बहुत फोकस होना चाहिए। तो बस इन्हीं बातों के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई लोग जो हैं आज भी घर में बैठे हैं और वोट डालने नहीं आए हैं, तो मेरा उनको एक मैसेज है कि भाई सभी को वोट डालनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने आम नागरिकों सुना कि जो और नागरिकों को जो और मतदाता हैं उनको अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बीएलओ है ना, उन्होंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या ये स्लिप नहीं बांट रखी कंग्रेस वालों में, यहाँ दिक्कत पड़ती है। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हैं बड़े जुलाना शहर के। हाँ, जुलाना शहर के गलिया नहीं बने, कीचड़ पड़ा सारे। क्या मुद्दा है जुलाना? इधर मुद्दा ये है जी, जुलाना के अंदर सारी तो टूटी सड़क है जी, पिछले जो थे वो कोई किसी ने काम नहीं कराया। अब की बार हम ऐसा विधायक चुनका हुआ भगवान की दया से, यहाँ पे पूरा जुलाना का विकास हो, नौजवान बच्चों को रोजगार मिले और सारे हल्के का विकास हो। तो जाट लैंड में पड़ता जुलाना जो अब हॉट सीट मैंने आपको बताया बन चुका है, वहीं आपने लोगों से सुना कि किन बड़े मुद्दों को लेकर यहां मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपनी मत का इस्तेमाल करने के लिए, वोट करने के लिए। लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए साफ तौर पर बताया कि टूटी हुई सड़कें, आवारा पशु, पानी यहां जुलाना के जो शहरी लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है। इन मुद्दों पर वो वोट करने आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहां विनेश फोगाट हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन बैरागी को कैंडिडेट उतारा गया है, और वहीं आम आदमी पार्टी
पार्टी, जजपा, INLD और भी जो अन्य दल हैं उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, पर 8 तारीख को जब बक्से खुलेंगे तब पता लगेगा कि हरियाणा की सियासत की कुर्सी पर कौन बैठता है और जुलाना की जंग कौन जीता है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की जुलाना से।